एग्जाम एथमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है तो फ्रेंड देखिए आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एन फाइनल रिजल्ट को लेकर बहुत महत्वपूर्ण अपडेट फाइनल रिजल्ट से पहले ही हजारों अभ्यर्थी हुए बाहर तो फर्जी प्रमाण पत्र का बहुत बड़ा खेल अब इस दिन आएगा रिजल्ट तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनल रिजल्ट को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिली है और देखिए फाइनल रिजल्ट से पहले हजारों अभ्यर्थी हुए बाहर ऐसा क्यों बताया जा रहा है उसके संबंध में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के फर्जी प्रमाण पत्रों का खेल यहाँ पर हुआ है उसके विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे तो फ्रेंड्स उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही अपडेट हमारे चैनल पर समय समय पर अपलोड किए जाते हैं तो फ्रेंड देखिए जैसे ही यहाँ पर देखिए 18 जून को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हुआ उसके बाद से ही कयास लगाया जा रहा है कि आपके रिजल्ट को बहुत जल्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा लेकिन लगभग एक महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी तक तो रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न है उसके विषय में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक अगर वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आपकी जानकारी अधूरी आपके लिए घातक हो सकती है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभिलेख परीक्षण में फर्जी प्रमाण पत्रों का खेल तो देखिए आप जैसा कि आप यहाँ पर समाचार पत्रों में देख रहे होंगे कि लगभग डेढ़ साल से लगभग एक साल या दो एक साल और डेढ़ साल से करीब जो है कि बीस से ही यहाँ पर आप समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि 9212 एएनएम के पद जल्द भरे जाएंगे ऐसी बार बार न्यूज़पेपर में खबरें चल रही थी तो जो जिनका यहाँ पर एएनएम डिप्लोमा जिनके पास नहीं था तो उन्होंने यहाँ पर इसके लिए जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है इसके लिए यहाँ पर संपर्क किया फर्जीवाड़ों से तो यहाँ पर देखिए जो अन्य प्रदेशों के यूपी के बाहर अन्य प्रदेशों से यहाँ पर संपर्क किया तो वहाँ पर जो है कि वो लोग भी जो कॉलेज के थे वो उन्होंने भी यहाँ पर आश्वासन दिया कि हाँ भाई जो है कि लाइए हम आपका सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन कर देंगे और आपकी एक साल की बचत भी हो जाएगी और वैकेंसी तो आपको पता ही है कि, कि किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है तो उसी के फेस उसी के यहाँ पर चक्कर में ये लोग फंस गए और यहाँ पर जब उन्होंने प्रमाण पत्र फर्जी प्रमाण पत्र भी बनवा लिया और कॉलेज वाले भी यहाँ पर देखिए आश्वासन भी दे दिए कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेंगे और उसके बाद देखिए ए का डिप्लोमा लेकर उन्होंने ए का डिप्लोमा लेकर जो नर्सिंग काउंसिल लखनऊ है उसमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने करा लिया और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद देखिए आयोग के बाद आयोग जब डी भी पर करता है तो वहाँ पर जो डी हुआ था तो वो ऑफलाइन हुआ था तो उसमें केवल प्रमाण पत्रों को ऐसे ही देखकर के रख लिया गया बाद में यहाँ पर जो आयोग है वहाँ पर जब ये सब प्रमाण पत्र आयोग पहुँचे तो वहाँ पर ऑफलाइन चेक करने के बाद उसको जो है कि वहाँ पर ऑनलाइन भी चेक किया जाता है तो जब ऑनलाइन जब ये चेक किया जा रहा था तभी इन प्रमाण पत्रों की पोल खुल गई और जो है कि इनके फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया यहाँ पर और फ्रेंड्स अगर यही अभ्यर्थी कहीं यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन कर लेते तब अगर फर्जीवाड़े का पता चलता कि हाँ इनका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है तो क्या होता है तो ये लोग जो है कि हाई कोर्ट वगैरह यहाँ पर चले जाते और यहाँ पर जो उनका केस है लंबा खींच जाता जो यहाँ पर उसके पीछे अभ्यर्थी थे जिनके यहाँ पर सलेक्शन नहीं हुए हैं वो लोग उससे वंचित रह जाते पद से तो वो पद यहाँ पर देखिए रिक्त रह जाता फिर जो है कि उसको अगली वैकेंसी में यहाँ पर फिल किया जाता तो देखिए फ्रेंड्स पहले ही यहाँ पर आयोग भी अपना फूक फूक कर कदम रख रहा है कि यहाँ पर किसी भी फर्जीवाड़े को यहाँ पर न होने दिया जाए जिससे कि जो आयोग की गरिमा है वो यहाँ पर बनाकर रखी जाए वैसे ही आयोग की गरिमा सही नहीं है यहाँ पर पहले से ही इसके जो है कि आयोग की आ... आयोग में वैसे ही सदस्यों की यहाँ पर किल्लत चल रही है और जो है कि यहाँ पर कोई भी काम करना भी नहीं चाह रहा है जो एग्ज़ाम कंट्रोलर थे आपने देखा कि वो भी ट्रांसफर करा कर यहाँ से झांसी चले गए थे फिर नए एग्जाम कंट्रोलर आए तो उनको फिर कार्यों को समझने में थोड़ी देरी लगी लगी इसीलिए जो है कि रिजल्ट में भी कुछ देरी बताई जा रही है और देखिए जो सबसे बड़ा रीजन है आपके रिजल्ट के लेट होने का वो है फर्जी प्रमाण पत्रों का खेल इसी के चक्कर में देखिए यहाँ पर आयोग को थोड़ा समय लग रहा है इसके जाँच पड़ताल में इसलिए रिजल्ट को थोड़ा देरी यहाँ पर हो रहा है जैसा कि आपको बताया गया था कि रिजल्ट जो है कि आपका उन्नीस से या बाईस या तेईस तक मैक्सिमम जो है यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक आपके रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया गया है तो जो यहाँ पर हमें संभावना मिल रही है जो यहाँ से हमें गुप्त सूत्रों से यहाँ पर जानकारी मिल रही है और जिससे हमारी बात होती है उनके माध्यम से यहाँ पर बताया गया कि अभी आपके रिजल्ट में जो है कि पाँच से छः दिन यहाँ पर और लग सकते हैं यानी कि आज बाईस तारीख है बाईस या अट्ठाईस यानी कि सत्ताईस से हमारा जो डेट हमको दिया गया है सत्ताईस से उनतीस के बीच में यानी कि सत्ताईस जुलाई से उनतीस जुलाई के मध्य आपका किसी भी दिन यहाँ पर रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जा सकता है अगर आयोग ने यहाँ पर तेजी से कार्य किया तो सत्ताईस को ही आपका रिजल्ट आ जाएगा अगर रिजल्ट जो है कि यहाँ पर अगर आ, यहाँ पर आयोग ने थोड़ा सा भी लेट तिफी दिखाया तो या फिर अट्ठाईस या फिर फाइनली जो है कि उनतीस को आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो जो यहाँ पर समय सीमा दी गई है रिजल्ट की वो सत्ताईस से उनतीस हमको दी गई है और इसी के माध्यम से देखिए यहाँ पर जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब सबसे बड़ी खबर आती है कि किस दिन आएगा रिजल्ट तो आपको इसके संबंध में भी बताया गया कि 27 से 29 के बीच में ही आज का जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और देखिए यहाँ पर हज़ारों अभ्यर्थी इसी के रीजन से यहाँ पर देखिए बाहर हो जाएंगे और ये देखिए जो अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर होंगे तो इससे जो भी कैंडिडेट वैलिड कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर देखिए बखूबी लाभ मिलने वाला है वो कौन सा लाभ मिलेगा कि यहाँ पर देखिए जो आपका कट ऑफ है वो देखिए नीचे जाएगा जब आपके देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो यहाँ पर फर्जीवाड़े के खेल से यहाँ पर देखिए बाहर हो जाएंगे वैसे ही लगभग तेरह कैंडिडेट बचे हैं इनमें से भी अगर हजारों अभ्यर्थी हजार डेढ़ हजार और बाहर हो जाते हैं तो लगभग ग्यारह बारह हज़ार ही कैंडिडेट यहाँ पर आपको बेचेंगे तो देखिए यहाँ पर नौ हजार दो सौ बारह आपको पता है कि नौ हजार दो सौ बारह यहाँ पर सीटी है और यहाँ पर लगभग बारह हजार ही कैंडिडेट बचेंगे तो लगभग यहाँ पर तीन हज़ार ढाई हजार कैंडिडेट ही बाहर होने वाले हैं तो इसमें आपको पता ही है कि लगभग जीरो नंबर से ऊपर जितने भी दो चार नंबर लोग पाए हुए हैं वो सब कैंडिडेट भी यहाँ पर डी भी कराए हैं तो जिनके अच्छे भी नंबर थोड़े भी अच्छे बन रहे हैं लगभग तीस पैंतीस नंबर भी बन रहे हैं तो वो भी कैंडिडेट अपने आप को सेफ स्कोर मान सकते हैं तो हमने देखिए यहाँ पर एक पोल डाला हुआ है एक्सपीरियंस को लेकर हमारे चैनल पर एक पोल डाला हुआ है कि आपके यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र कितने दिनों का लगा है तो उस पर जो है कि आप पोल करिए अधिक से अधिक वोट अभी दो दिन हो गए उसमें कम से कम जो है कि हज़ार लोगों का वोट जब आ जाएगा वोटिंग कर देंगे तो उसके बाद जो है कि उस पर एक हम जो है कि एनालिसिस करने के बाद उस पर एक वीडियो बनाने वाले हैं कि जब यहाँ पर देखिए जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं कितने साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर कह रहे हैं कि सर यहाँ पर सब खेल तो यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्रों के लिए ही हो रहा है कि जो अनुभवी हैं उन्हीं को केवल यहाँ पर बरीता दिया जा रहा है तो ऐसा नहीं है आप जो है कि यहाँ पर पोल में हिस्सा लीजिए और अधिक से अधिक कैंडिडेट को यहाँ पर हिस्सा दिलाइए जैसे कि हमको यहाँ पर डाटा मिल सके फिर उसके बाद हम इस पर एनालिसिस करने के बाद उस पर जो है कि एक वीडियो बनाने वाले हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उस पर देखिए जो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से उसको मैं निकालने का यहाँ पर प्रयास करूँगा कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर अनुभव में कितने सालों का उनको अनुभव है और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनसे भी यहाँ पर हमारा हमारी जो बातचीत है वो चल रही है कि आपके कितने मार्क्स हैं तो और जो यहाँ पर जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके कितने मार्क्स हैं तो उनमें जो एक्सपीरियंस का नंबर ऐड करने के बाद भी फ्रेशर स्टूडेंट के बराबर आ रहे हैं कि नहीं या फिर प्लस हो रहे हैं कि नहीं तो इन सब बातों पर एनालिसिस होगा अगले वीडियो पर तो देखिए फ्रेंड जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि कोई भी एक क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कि आयोग यहाँ पर निर्धारित करेगा उसके बाद भी जो है कि यहाँ पर देखिए कट ऑफ जो आपकी कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है इस बात का आप ध्यान रखिएगा और देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद ही आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा तो आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग सेलेक्ट होंगे जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और जितने लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो ऐसी हमारी आशा है और प्रयास भी यहाँ पर रहेगा कि रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए तो देखिए फ्रेंड्स आपको एंड स्क्रीन पर यहाँ पर पीके ब्लॉग नाम से एक सिंबल दिखाई देगा आप इसको क्लिक करके आप इस चैनल पर विजिट करिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए जैसे इस चैनल को आप अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं लाइक शेयर भी कर रहे हैं वैसे उस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आपका यहाँ पर सलेक्शन हंड्रेड होगा जो कैंडिडेट हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग